यार मेरा प्लान था आज तीन चार जगह जाने का। हम तीन जगह गए भी, बट मैं कोई व्लॉग बना नहीं पाया क्योंकि गाड़ी मुझे ड्राइव करनी थी और कैमरा संभालने के लिए कोई था नहीं। सो अभी भी मुझे जाना है एक जगह। ये नहीं पता मैं वहाँ जाकर डिनर कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, कुछ भरोसा नहीं है अभी क्योंकि मैं ऑलरेडी एक जगह फंसा हुआ हूँ, यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। आई थिंक ऑलरेडी 8:30 होने जा रहा है, पता नहीं वो ओपन रहेगा नहीं रहेगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अपने ब्रदर इन लॉ को सरप्राइज भी देना था आज। सो अभी वहीं जाने का प्लान हो रहा है, बट आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल गो और नॉट, लेट्स सी। अभी फिलहाल जहाँ फंसा हूँ चलते हैं। गाइस आई फाइनली रीच्ड दिस रेस्टोरेंट, इट्स नेम मायराज एंड ये NRI सिटी के अंदर में है, जो कि आपका चिड़ियाघर नवाबगंज के पास में है। वहाँ पे खुला है, रिसेंटली ओपन हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं है। सो वी हैव ऑर्डर्ड, सो लेट्स सी अभी कितना टाइम लगता है, कैसा टेस्ट होता है वो फिर मैं आपको बताऊँगा कैसा है कैसा नहीं। बट लोकेशन अच्छी है और मतलब रेट्स भी सही है, वाजिब है जिसे हम कहते हैं, रेट्स इतना कॉस्टली नहीं है। सो बाकी वेट करते हैं एक बार टेस्ट देख लें। सो गाइज हमारा ऑर्डर आ चुका है वेज बिरयानी, जो देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है, और पनीर पसंदा ये भी अच्छा लग रहा है। आई थिंक इसका जो शक्ल सूरत है ये थोड़ी सी नॉर्मल से मिल रही है मेरे को, लेट्स सी कैसा होता है। बट ये जो रेस्टोरेंट है ये प्रॉपर वेज है, नॉन वेज नहीं है। चलिए खा के बताता हूँ आपको मैं। आज जो है अपने मामा के रेस्टोरेंट में आके कितना खुश हो बेचारा, शायद इसको आज फ्री में खाना मिलेगा। मेरे मैंने भी बनाई वीडियो, ये देखो बच्चे कितने उत्साहित हैं अब फ्री में खाना खाने के लिए। सो गाइस ये रेस्टोरेंट का आउटलुक है, एंड जैसे रिसेंटली ही ओपन हुआ है, आई थिंक 1 month ओल्ड, 1 महीना हुआ होगा इसको ओपन हुए। लोकेशन तो अच्छी है बट हाँ दूर है संभव, लेट्स सी खाना कैसा होता है। सो गाइस एज यू सी काफ़ी पार्किंग स्पेस है यहाँ पे, आप कार या बाइक पार्क कर सकते हैं। ये देखिए इस साइड पे भी है, बट रोड है प्रॉपर। मेरा बेटा तो आके यहाँ काफ़ी खुश है, मौज मस्ती करने में लगा पड़ा है। पता है कि आप अगर कहीं जाए आपके पास फीमेल हैं तो उनकी फ़ोटो लेनी भी पड़ती है, वो काम स्टार्ट हो चुका है, आइए फ़ोटो लेते हैं। यार मुझे तो काफ़ी लेट हो गया अपने घर आने में, ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया, बट खाने का टेस्ट काफ़ी अच्छा था। हम लोगों ने गार्लिक नान, पनीर पसंदा और पनीर कुलचे और कढ़ाई पनीर ऑर्डर करा था, तो टेस्ट अच्छा था, ख़राब नहीं था, रेट भी अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर रेस्टोरेंट्स। सो अगर आप बिठूर या गंगा बैराज या चिड़ियाघर या SBTI कॉलेज साइड पर जाते हैं तो एक बार जाना बनता है, जाइए विज़िट करिए खाइए और बताइए। आई होप आपको अच्छा लगेगा, मैं तो इन्जॉय कर रहा हूँ, आप भी इन्जॉय करेंगे। तो एज अ ग्रुप फैमिली कपल्स फ्रेंड्स जा सकते हो वहाँ पर, बट हाँ नॉन वेज नहीं है। स्टे में
एक बार जाना जरूर बनता है, यू मस्ट विजिट वंस। सोचता हूँ, काफ़ी रात हो चुकी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रॉब्लम, तब तक के लिए।